आज के टॉपिक में हम बात करते हैं के बारे में जैसे कि आपको पता है है सेट ऑफ पॉलिसी जो कि 2012 में जब वो पावर में आए थे उनके द्वारा तब यूज की गई थी ताकि जापान को जो कि बीस सालों से, एक से वहां पर देख रहा था एक स्टार्ट प्रोवाइड किया जा सके बाई यूजिंग थ्री ईयर ऑफ इकोनॉमिक्स पहले में बात हुई मॉनिटरी पॉलिसी की ईजी बना दिया गया फॉर्म ऑफ नेगेटिव शॉर्ट टर्म इंटरेस्ट ताकि कंपनी इजिल लोन अवेल कर सके एक्सपैंड कर सके और कंज्यूमर स्पेंडिंग भी वहां पर फिर, फिस्कल यहां पर सरकार द्वारा बहुत सारा पैसा खर्च किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर और फाइनेंशियल इंसेंटिव पर कंपनी को दिए गए फिर थर्ड और मेजर था स्ट्रक्ल रिफॉर्मस कॉर्पोरेट रिफॉर्मस वहां पर लाए गए ज्यादा ज्यादा महिलाओं को वर्कफोर्स एड करने की बात की गई लेबर लेबलाइजन यहां पर की गई ताकि ज्यादा ज्यादा माइग्रेंट्स को यहां पर लॉ किया जा सके कि वो वर्कफोर्स का हिस्सा बन सके क्योंकि जपान का सबसे मेजर इशू एजिंग पॉपुलशन का जिसकी वजह से वर्कफोर्स यहाँ पर हो रही है तो उसे काउंटर करने के लिए ये रिफॉर्म्स रिफॉर्म थे। तो ये तीन मेजर आपके इकोनॉमिक्स के फॉर मोर सच सब्सक्राइब एंड शेयर